बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा जूही चावला को कैसे भुला जा सकता है। ये 90 के दौर के उन बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी जिनकी खूबसूरती व बेहतरीन अदाकारी की वजह से उन्हें जाना जाता था। वैसे साल 1984 में ही जूही ने मिस इंडिया का ताज जीतकर पहले लोगों को अपनी खूबसूरती का दीवाना बना दिया था, जिसके बाद 4 साल बाद यानी कि 1988 में उन्होंने फिल्म क्यामत से क्यामत तक से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। आमिर खान के साथ उनकी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित रही और इसी फिल्म को करने के बाद जूही चावला ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी। हालांकि बड़े पर्दे पर जब जूही चावला आई तो उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के सभी फैन हो गए। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब जूही अपने करियर की ऊंचाई पर थी तभी उन्होंने खुद से करीब 7 साल बड़े बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर ली थी। ये जानकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि जहां जूही चावला उस दौरान बेहद यंग और फिट लग रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके पति जय मेहता बूढ़े नजर आ रहे थे और सभी ने जूही चावला के इस फैसले की निंदा की थी। कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि शायद जूही चावला ने पैसों के खातिर जय मेहता से शादी की थी। हालांकि इसके पीछे की क्या वजह है ये बता पाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जूही चावला ने ना ही किसी दबाव या फिर किसी और कारण से जय मेहता से शादी नहीं की थी। हालांकि जूही चावला की शादी की खबरों को सुनकर लोग इस वजह से भी हैरान हुए क्योंकि किसी को उनके अफेयर की भनक तक नहीं लगी। वहीं जब पहली बार जूही और जय मेहता की शादी की तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने उनके पति का खूब मजाक भी उड़ाया। लोगों ने जूही के लिए भद्दे कमेंट्स करते हुए उनके पति को बुढ़ा और एक्ट्रेस को लालची कहना शुरू कर दिया था। वहीं इन सभी बातों के बीच कभी भी जूही चावला ने अपने और जय मेहता के रिलेशनशिप पर बात नहीं की। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जूही चावला के पति जय मेहता के बारे में बात करें तो वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। वह मेहता ग्रुप के मालिक हैं। जूही से शादी करने से पहले जय मेहता ने पहली शादी सुजाता बिरला से की थी। 1990 में बेंगलुरु में विमान हादसे में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसके बाद जय मेहता अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेले हो गए। वहीं कुछ समय बाद एक सड़क हादसे में जूही की मां का भी निधन हो गया था। ऐसे में जय ने ही जूही को उस मुश्किल घड़ी में संभाला था। जूही चावला ने 1995 में जय मेहता से शादी करने का फैसला ले लिया और उन्होंने बड़े ही सीक्रेट ढंग से शादी रचा ली। शादी के बाद भी जय और जूही की जिंदगी में मुसीबत के पहाड़ टूटते रहे। शादी के कुछ समय बाद ही जूही की बहन सोनिया का कैंसर से निधन हो गया। जूही खुद को संभाल पाती इससे पहले उनके भाई बॉबी को स्ट्रोक आया और इसके बाद वह लंबी बीमारी का शिकार हो गए। बताया जाता है कि जूही के भाई बॉबी एक्टर शाहरुख खान के चिली प्रोडक्शन हाउस के सीईओ थे और कुछ समय बाद ही जूही के भाई का भी देहांत हो गया। इतना सब होने के बावजूद जूही चावला बिल्कुल टूट चुकी थी। उन्होंने जय मेहता से शादी करने के बाद सोचा था कि अब मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी, लेकिन ये खुशियां नहीं आई। पहले उनकी बहन सोनिया का कैंसर से निधन हुआ, वहीं दूसरी ओर उनके भाई को भी स्ट्रोक आया और कुछ समय बाद उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन जूही चावला के घर में जब बच्चों ने जन्म लिया तब उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशियां आईं। जूही और जय मेहता की जिंदगी में तब सबसे बड़ा मोड़ आया था जब जूही पहली बार प्रेग्नेंट हुई। जूही ने साल 2001 में अपनी बेटी जानवी को जन्म दिया, जिसके ठीक 2 साल बाद उनके घर उनके बेटे ने जन्म लिया। इतने दुख देखने के बाद जूही ने अपनी जिंदगी में खुशियां देखी। आज जूही चावला बॉलीवुड को अलविदा कहकर अपनी फैमिली में अपने परिवार संग बहुत ज्यादा खुश है। इसी के साथ ही अगर उनके वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए जूही चावला एक आधी फिल्मों में नजर आ जाती हैं। उनकी पिछली रिलीज फिल्म 2019 में आई थी और इस फिल्म का नाम था एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इसके बाद शर्मा जी नमकीन उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट है।